तो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें दिया क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x प्लस वन, y इज इक्वल टू x प्लस वन, तो इसको अपन एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे बोल रहा हूं मैं, तो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन क्या दी है, टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और तीसरी लाइन दी है एम एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों क्या है, कॉन्करेंट है। तो अगर ये कॉन्करेंट है, तो अगर मान लो तीन लाइन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, या फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगर तीन लाइन कॉन्करेंट होती है तो उनका जो कॉफिशियंट है उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, इनका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो वो जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं अगर यही सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाऊं, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन वन, टू माइनस वन टू, और एम माइनस वन थ्री का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। और अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं, तो ये वाली पहली रो से सॉल्व करूंगा मैं, तो वन इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस माइनस वन इंटू, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स, माइनस टू एम प्लस वन इंटू, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस माइनस एम, इसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल। फर्दर इसे अगर अपन सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स माइनस टू एम माइनस टू प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी सिक्स माइनस थ्री विच इज फर्दर इक्वल टू थ्री, तो एम की वैल्यू आ गई थ्री, तो एम इज इक्वल टू थ्री इज आर रिक्वायर्ड आंसर।